एक दो सच्चा तेरा नाम सच्चा एको देवह हे परम ब्रह्म हे परमेश्वर तू एक है तत् सत् तू ही सत्य है तत् सवितुर्वरेण्यम् युग युग में देवगण ऋषिगण पवित्र आत्मा वाले मनुष्य तेरी आराधना करते रहते हैं। यस्य नाम महद्यशः हे परमेश्वर तेरा नाम ही तारनहार असंख्य असंख्य आत्माओं को जन्म मरण रूपी इस भयंकर भव सिंधु से पार करने वाला है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः इस्तनवन्ति दिव्य इस्तवै दिव्य स्त्रोतों से ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र यम कुबेर हे ज्योति स्वरूप परमात्मा तेरी आराधना स्तुति करते रहते हैं। वेदः सांगपद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगः वेद मंत्रों के द्वारा उपनिषदों के गहन ज्ञान में डूबे हुए ऋषिगण हे आदि पुरुष तेरे दिव्य सामगान को गाते रहते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो आत्म ध्यान में स्थित हुए योगी जन हे परम ब्रह्म अपनी अंतरात्मा में तेरे ही प्रकाश को आभा को देखते रहते हैं। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा इतना सब होने पर भी हे अमृत ब्रह्म तेरे रहस्य को न तो देवगण जानते हैं न असुर जानते हैं न मनुष्य जानते हैं। देवाय तस्मै नमः ऐसे अचरज स्वरूप सर्वव्यापी कण कण में समाये अविनाशी पुरुष परमात्मा तुझको बार बार प्रणाम है बार बार नमस्कार है। कलयुग का जब आरंभ हुआ कश्मीर में दाछी गांव की वनस्थली में महादेव शिव ने कुछ सूत्र 77 ज्ञान सूत्र
शिलाखंड पर लिखवाए, जिससे कलयुग के अंधकार में, तमस में भटकने वाले जीव उन ज्ञान सूत्रों से प्रकाश प्राप्त कर सके, और जो सनातन मार्ग परमात्मा का है उस तरफ को आ सके। उन्हीं सूत्रों में 38वां सूत्र है, मोहावत मोहावरणात सिद्धि ही। मोह का आवरण हट जाने से ज्ञान का उदय हो जाता है। ऐसा ही कुछ ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, अग्निम नरो दीधि तिमिरः, अज्ञान के तिमिर का अस्त होते ही ईश्वरीय ज्ञान का सूर्य मनुष्य की आत्मा के भीतर उदय हो जाता है। सब कुछ तो परमेश्वर का है, ये संसार भी, ये दिया हुआ शरीर भी, ये जीव आत्मा भी, ये ज्ञान ध्यान भी, ये माया और ये प्रपंच भी, इसमें हमारा क्या है? कर्म, सत्कर्म या पाप कर्म, ये हमारा है। यहां जैसा कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म या पाप कर्म, वो हमारी आत्मा में जुड़ता चला जाता है। सब कुछ तो परमेश्वर का है, एक कर्म बस तेरा, तेरा तो एक कर्म है, चाहे इस कर्म को बिगाड़ ले, चाहे इसको सुधार कर, इस पुण्य और सत्कर्म के द्वारा प्रकाशमान होकर अपने उस परमात्मा के सामने पहुंच जा। सब कुछ तो परमेश्वर का है, एक कर्म बस तेरा, सांस सांस जप प्रभु अविनाशी, टूटे 84 का घेरा, सांस सांस और हम संसार में ऐसे बेखबर रहते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा सांस भी चल रहा है। सांस की तरफ ध्यान दीजिए, एक दो सच्चा तेरा नाम सच, जितने समय हम इस सांस से जुड़ सकते हैं ध्यान अवस्था में, उतना ईश्वरीय प्रकाश हमारे इस मिट्टी के शरीर में बढ़ता चला जाता है। ईश्वरीय ऊर्जा द्यू लोकों में जो प्रकाश की धूल की तरह उड़ती है,
वो हमारे शरीर को, मस्तिष्क को, मन को, आत्मा को पवित्र करती चली जाती है। जब हम सांस की तरफ ध्यान देते हुए भीतर अंतर स्थल में जब हम पहुंचते हैं परमेश्वर के नाम और ध्यान के साथ साथ, सब कुछ तो परमेश्वर का है। एक कर्म बस तेरा, सांस सांस जप प्रभ अविनाशी, टूटे 84 का घेरा। 84 लाख जोना जोन में जो ये जीवात्मा भटकता फिर रहा है, इस चक्र से निकल के इस आत्मा का मुख उस अविनाशी पुरुष की तरफ को हो जाता है। साहिब नाम आराध्ये आगे पंथ अंधेर, नाम जपत होवे उजियारा, टूटे जमों का घेर। जम यमदूत और जम जो हमारे अशुद्ध विचार, जो हमारे भीतर व्याकुलताओं को, अशांति को पैदा किए रहते हैं, उन यमदूतों का घेरा उस समय टूटता है जब हम निरंतर सांस के साथ साथ उस आदिदेव परम ब्रह्म के मंत्र को जपते रहते हैं। और ध्यान हमारा उसी में रहता है, ये नहीं कि हम मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। ध्यान भी उस मंत्र उच्चारण के साथ साथ हमारा वहीं पर रहना चाहिए, आत्म ध्यान में, आत्मा के ध्यान में। मस्तक में आत्मा का ज्योति स्वरूप और उस ज्योतिर्सिंहासन पर जो वो निराकार परम ब्रह्म आदि पुरुष विराजमान है उसकी तरफ हमारा ध्यान जब होता है तो अंधकार और विष किरणें नष्ट होती चली जाती हैं। जोगी जति तपी सन्यासी तीर्थों में तपते, उस परमात्मा के ध्यान में वे अपने मन इंद्रियों को तपाते रहते हैं। जोगी जति तपी सन्यासी तीर्थों में तपते, तंत्र मंत्र ज्योतिष और औषध करते फिर भी सब मरते। ये शरीर नाशवान है, पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर, आज नहीं तो कल सखी छुट जाएगा देश, माटी होगी ओढ़ना और छोना रेत, कस्तूरी सी काया साजन जाए मिलेगी खाक, इकले अलख जगाओगे कोई ना पूछेगा बात, हथ जोड़ी कर कर के मना रहे अपने रब को लोग, तू क्या मुर्दा सा पड़ा लगा कौन सा रोग, सतपुरख करें आराधना बरसे अलख का नूर, परमात्मा का प्रकाश बरस रहा है। तू जहां का तहां खड़ा
लोग पहुंच गए दूर। मेरा मेरा क्या करे तेरा सब संसार, भर भर आंखें रोएगा बंजारे चलती बार। सब कुछ तो परमेश्वर का है, बस एक कर्म ही तेरा। ये संसार, ये सब आत्माएं, ये विश्व ब्रह्मांड, सब कुछ जिसने पैदा किया है उसी का है। और इस जगत में आकर के जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय नीलांचल की पहाड़ियों में विराजते थे। रुद्रवंती नदी के किनारे उनका एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था। अपने गणों और सेवकों के साथ वहीं पर वो प्रतिदिन परम ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते, धर्म का प्रकाश प्रचार प्रजाजनों में करते रहते, जिससे मनुष्यों के भीतर धर्म की वृद्धि हो, धर्म का प्रकाश बढ़े। एक दिन अपने सेवक चित्र बरहण, जिसको मोर भी कहा जाता है, चित्र बरहण गरुड़ का पुत्र, उसके संग उस नदी के किनारे किनारे घूमते हुए एक बस्ती की तरफ गए। उस बस्ती में एक अति दरिद्र गरीब ब्राह्मण को उन्होंने घर घर भिक्षा मांगते हुए देखा। कमजोर ब्राह्मण, शरीर से दुर्बल, भूखा प्यासा फटे हाल, उनके हृदय में बड़ी करुणा पैदा हुई। उनके सेवक चित्र बरहण ने कहा, भगवन इस ब्राह्मण की दुर्दशा देखिए, इस पर कुछ करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली उस ब्राह्मण को दे दी। कहा, लो ब्राह्मण देवता, हम समझते हैं तुम्हारे जीवन यापन के लिए इतना धन पर्याप्त होगा, और अब तुम्हें भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, प्रणाम किया और अपने घर की तरफ को चल दिया। एक लुटेरा डाकू दूर से इस घटना को देख रहा था, और ब्राह्मण बस्ती से निकल के जब जंगल की तरफ अपने घर जाने के लिए मुड़ा, वहां उसने वे स्वर्ण मुद्राएं
उससे छीन ले। ब्राह्मण शोर मचाता रह गया, किसी ने कोई मदद नहीं की। उसके भाग्य में भी शायद सुख नहीं था, धन नहीं था, संपदा नहीं थी। अगले दिन फिर कुमार कार्तिकेय चित्र ब्रह्मण के साथ उस बस्ती के दूसरे सिरे की तरफ गए तो वहां भी वही ब्राह्मण भीख मांग रहे। बड़ा अचरज हुआ। चित्र ब्रह्मण ने कहा, प्रभु कल तो आपने इतना इसको स्वर्ण दिया, आज भी ये भिक्षा मांगता है, चलिए इससे पूछें। ब्राह्मण ने दुखी होते हुए कहा, भगवान आपका दिया हुआ स्वर्ण मेरे भाग्य में था नहीं, क्या करूं। एकांत मार्ग से गुजर रहा था, भयंकर वन में रहने वाले एक दस्यु ने, डाकू ने मुझसे वो धन छीन लिया। मैं कमजोर, बीमार, निसहाय, मैं क्या करता। चित्र ब्रह्मण के पास में एक बड़ी कीमती मणि थी, रतन था। कुमार कार्तिकेय ने कहा, चित्र ब्रह्मण तुम्हारे पास जो रतन है यही दे दो, जो आज्ञा प्रभु। चित्र ब्रह्मण ने वो मणि उस ब्राह्मण को दे दी। कहा, संभाल के रखना और खुशी खुशी उस मणि को उस ब्राह्मण ने कपड़ों में छिपा लिया। घर आया, घर के भीतर एक खाली घड़ा रखा हुआ था, उस घड़े में छुपा के उसने मणि को रख दिया। ब्राह्मणी नदी से जल भरने गई थी, मट्टी का घड़ा था, उसके हाथ में ठोकर लगी, पानी भी बिखर गया और घड़ा भी फूट गया। अब क्या करूं, घर वापस आ गई, गीले कपड़े हो गए हैं, कपड़े भीग गए हैं, कपड़े बदले और देखा घर के भीतर जो दूसरा खाली घड़ा रखा है, बेकार ही रखा है इतने दिनों से, उठा लिया और उस घड़े को लेके नदी के तट पर पहुंची और जैसे ही जल में उसको डुबाया, मणि घड़े में से निकल के नदी में जा गिरी। उस बिचारी को क्या पता कि इसमें मणि है, रतन है, क्या है, उसे पता ही क्या था। और वो जल लेके घर आ गई। उस ब्राह्मण ने देखा, ये घड़ा कौन सा है, अरे तूने भीतर वाला घड़ा उठाया क्या। बोले हाँ। हाथ डाल के उसमें देखा, मणि कहीं नहीं, वो तो पानी के उछाल से नदी में जा गिरी। बेचारे ब्राह्मण ने अपना माथा पकड़ लिया। हे देवी, हमारे भाग्य में सुख संपदा है ही नहीं, तीसरे दिन फिर कुमार कार्तिकेय और उनका सेवक कहीं घूम रहे थे और उन्होंने देखा, ब्राह्मण तो आज भी भिक्षा मांग रहा है।
हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या हुआ? वो जो बहुमूल्य रतन उस दिन आपको दिया था, उसका क्या हुआ? का भगवन, मेरा भाग्य ही खराब है। उसने सारी घटना बता दी। मेरी पत्नी पानी लेने गई थी और उसको पता नहीं था, मैंने उसको बताया नहीं था, और वो मणि तो नदी में बह गई। चित्रबरहण ने पूछा, प्रभु इस बिचारे का भाग्य उदय कब होगा? आप जैसे सिद्ध पुरुष, आप जैसे देवात्मा, ईश्वर रूप देवता की दृष्टि इस पे पड़ गई है, फिर भी ये भाग्यहीन है। कुमार कार्तिकेय मुस्कुराए, बोले तुम्हारे पास इस समय कुछ हो तो बताओ। इधर उधर देखा उसने, एक रुपया पड़ा हुआ है, एक रुपया जरा सा। कहा ये ही दे दो इसको भगवान, एक रुपए से इसका क्या होगा? इसने तो दिन भर भिक्षा में एक से ज्यादा रुपए इकट्ठे कर लिए, तुम दे दो, दे दो। चित्रबरहण ने एक रुपया उसको दे दिया। लो, ब्राह्मण चला गया और सोचने लगा, लो शिव पुत्र से एक रुपया मिला, इसमें क्या गुजर बसर हो गई। नदी के किनारे चला गया, एकांत में मन दुखी था। देखा एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है, जाल लगाया हुआ है मछली पकड़ने। एक मछली उसके जाल में आई, ब्राह्मण के हृदय में करुणा पैदा हुई। अरे ये मछली को पकड़ के मार देगा, काट देगा, बेच देगा, खा जाएगा, इस एक रुपए का मुझको क्या मिलेगा? कम से कम इस मछली की जान बचा दूं। मछियारे के पास गया, कहा भैया ये मछली मुझे दे दो। अरे पंडित आप क्या इस मछली को खाएंगे? बोले नहीं, मैं कुछ भी करूं तुम मुझे दे दो, एक रुपया ले लो इसके बदले में। लो मेरे कमंडल में डाल दो मछली। उस ब्राह्मण देवता ने वो मछली ले ली और सोचा थोड़ा आगे जाके इसको नदी में डाल दूंगा, ये इसको जीवन मिल जाएगा, यहीं डालूंगा तो ये फिर पकड़ लेगा। अब वो जैसे मछली को उन्होंने डालने की कोशिश की तो मछली के मुंह से वो रतन निकल के जमीन पे गिर गया। उनकी पत्नी जो घड़े में पानी लेने आई थी और रतन था और जो खोया गया था वो मछली ने निगल लिया था, और आज मछली मिली और मछली ने वो उगल दिया। मछली को पानी में डाल दिया उन्होंने और वो रतन उठा लिया, और वो घर की तरफ को खुशी खुशी भागे, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय वो डाकू उधर से गुजर रहा था, उसने सोचा ये ब्राह्मण तुझको देख के कह रहा है मिल गया मिल गया मिल गया, और इसके साथ में जरूर सैनिक होंगे और ये तुझको पकड़वा देगा। वो उस धन को लेके कहीं जा रहा था कुछ लेने के लिए। घबराता हुआ उस ब्राह्मण के पास आया, भैया मुझको माफ कर दो, लो तुम्हारा धन ये रहा,
मुझको नहीं चाहिए, राजा से मेरी शिकायत मत करना। धन भी मिल गया, रतन भी मिल गया, भागा भागा वो फिर कुमार कार्तिकेय के आश्रम पहुंचा। भगवान आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों, क्या हुआ? सारी घटना उसने बता दी। हे प्रभु, मैंने सोचा इसे एक रुपए का क्या करूंगा। मछियारे ने एक मछली पकड़ी हुई थी, मैंने सोचा इस मछली के प्राण ही बचा दूंगा। और फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। कुमार कार्तिकेय ने कहा, देखा चित्र ब्रह्मण, मनुष्य जब तक अपने सुख के लिए सोचता है, अपने लिए, तब तक उसको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। पहले दिन इसको इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी तो ये खुशी से फूल गया और सोचने लगा मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। और वो धन इससे छिन गया। अगली बार जब तुमने वो रतन दिया तब भी इसने यही सोचा, आहा, अब दरिद्रता दूर हुई, अब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और जब केवल एक ही रुपया मिला और जब उस एक रुपये से इसने परोपकार किया, दुख संकट में पड़े हुए एक जीव किसने रक्षा, एक रुपये से कर दी, बस उसी समय इसका भाग्य जागृत हो गया। सूत्र क्या है? मोह का आवरण हटने से ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान का उदय होने से ही हमारे भीतर शांति का प्रकाश फैल जाता है। उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, हे शिवपुत्र, मेरे मस्तक पे हाथ रख दीजिए। मेरे मस्तक पर उस प्रभु परमेश्वर का नाम लिख दीजिए। संसार में मुझको सुख मिले न मिले, धन मिले न मिले, संपदाएं मिले न मिले, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मिले न मिले, मेरे हृदय में सदा वो अविनाशी पुरुष और उसका नाम गूंजता रहे, गूंजता रहे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। नाम लिख दे सूरज चांद में
में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। जब भी जन्म होवे मेरा बन के रहूं मैं सेवक तेरा। जब भी जन्म होवे मेरा बन के रहूं मैं सेवक तेरा। कागज पे मुझको अपना गुलाम लिख दे। कोरे कागज पे मुझको अपना गुलाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। मेरे माथे पे चमके ज्योति मुख में नाम का सच्चा मोती। मेरे माथे पे चमके ज्योति मुख में नाम का सच्चा मोती। देवलोक के हंसों में मेरा भी नाम लिख दे। देवलोक के हंसों में मेरा भी नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे।
आंखों की खिड़की खोल के देखा, परमेश्वर के महल को देखा। आंखों की खिड़की खोल के देखा, परमेश्वर के महल को देखा। मेरे प्रभु तू अपना प्यार मेरे नाम लिख दे, मेरे प्रभु तू अपना प्यार मेरे नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे, सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। माथे पे तेज उसका, ऋषियों के हृदय में वेद उसका, देवों के माथे पे तेज उसका, ऋषियों के हृदय में वेद उसका। सभी देवताओं के मस्तक पर उस प्रभु की भरगो ज्योति झिलमिल होती है, और ऋषियों के हृदय में उस परमात्मा का वेद, उसका सामगान रात दिन गूंजता रहता है। देवों के माथे पे तेज उसका, ऋषियों के हृदय में वेद उसका, देवों के माथे पे तेज उसका, ऋषियों के हृदय में वेद उसका। परमेश्वर के दीवानों में मेरा भी नाम लिख दे, परमेश्वर के दीवानों में मेरा भी नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे, सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे।
कलम डुबाए। बैठा हूँ मैं सो झुकाए, आंसुओं में कलम डुबाए। ऐ सुबह उस ज्योति पुरुष को मेरा प्रणाम लिख दे। ज्योति पुरुष को मेरा परिणाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो दे उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे केवल ऋषि मुनि देवी देवता ही उस परमात्मा का नाम नहीं जपते। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र हवाएं समुद्र संसार जब गहरी नींद में होता है तब वन वनस्पति प्रकृति उस परमात्मा की ही बातें करते रहते हैं। चांद क्यों जागता है रातों को, कहता रहता तेरी बातों को। चांद क्यों जागता है रातों को, कहता रहता तेरी बातों को। मेरे दिल के हर पन्ने पे अपना नाम लिख दे। मेरे दिल के हर पन्ने पे अपना नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबोगे उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा,
एक दिन परमेश्वर भी मिलेगा। दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, एक दिन परमेश्वर भी मिलेगा। जाके जा पर सत्य सने हो मिला ही अवश्य, नहीं कछ संदेह। जिनकी अंतरात्मा का प्रेम जिनसे लगा हुआ है वे अवश्य ही एक दिन मिलते हैं। दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, उस परमेश्वर का जिक्र उसका ध्यान हमारे जीवन में अवतरित हुआ है तो एक दिन वो स्वयं आदि पुरुष ज्योति पुरुष परमात्मा भी अवश्य मिलेगा। यदि हमारी लगन सच्ची है, यदि हमारा प्रेम उसके प्रति सच्चा है तो दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, एक दिन परमेश्वर भी मिलेगा। दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, एक दिन परमेश्वर भी मिलेगा। हम सोचने लगे अजी हाँ, हम जैसों को परमेश्वर कैसे मिल सकता है। ऋषि मुनि तपस्या करते करते नष्ट हो गए, देवताओं ने उसका अंत नहीं पाया। तेरा अंत न कोई पावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे। जो मन में तेरी ज्योत जगावे वो साहिब तेरा दास कहावे। नारद जी गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक कमजोर सा व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे माला लिए बैठा। नारद जी को देखा, दौड़ के गया, पैर पकड़ लिए, प्रभु आपके दर्शन हो गए। कहां जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? कहा भगवान से मिलने जा रहा हूं, मेरा एक काम कर देना। क्या? उनसे ये पूछना कि वो मुझे कब मिलेंगे। बोले ठीक है। समय बीत गया, बहुत दिन बाद, कई बरस बाद नारद जी फिर उधर आए। उस व्यक्ति ने फिर से उनकी चरण वंदना की, कहा प्रभु भगवान से मेरे बारे में पूछा कब मिलेंगे। बोले हाँ। बोले क्या कहा? जितने पत्ते इस पीपल के हैं इतने जन्म जब तुम्हारे बीत जाएंगे तो मिलेंगे। बोले बस, नाचना शुरू कर दिया। मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, ये तो कुछ भी नहीं, बस समझ लो मिल गए, मिल गए, मिल गए। आकाश से एक ज्योति उतरी और वो सामने सामने दिव्य रूप धारण किए परमात्मा। नारद जी ने कहा आप तो बड़ा झूठ बोलते हो, तुमने कहा था इतने जन्म बाद में हम मिलेंगे, तुम जरा सा इसने नाच के क्या दिखाया, एकदम तुम आ गए। बोले अरे तुम समझते नहीं, इसका विश्वास देखो, इतने हजारों जन्म के दुख मेरे प्रेम में ये सहन करने को तैयार है।
इसके प्रेम की लौ। जब मेरी ज्योति से टकराई तो मुझको आना पड़ा, मैं क्या करता। सुख दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, एक दिन परमेश्वर भी मिलेगा। दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, एक दिन परमेश्वर भी मिलेगा। सतगुरु मेरी पलकों पे महकते गुलाब लिख दे, सतगुरु मेरे पलकों पे महकते गुलाब लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे, सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, मेरी निगाह से ऐसे भी लोग गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे, जिनको रास्ता बताने वाला कोई ना था और वे निकल पड़े और परमात्मा ने उनके लिए सहायक भेज दिए, मार्गदर्शक भेज दिए और वे अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। दिल में लगन होनी चाहिए, सहायता करने वाले भी मिल ही जाते हैं। संसार में जब इतने विरोध करने वाले लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सहायक भी हमें मिलते हैं। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र, खिज्र उस फरिश्ते को कहते हैं कोई आदमी जंगल में बियाबान में रास्ता भटक जाए तो वो कोई रूप धारण करके उसको रास्ता बता देता है, इधर से नहीं इधर से चले जाओ। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे, जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे घबरा जाए, मुसीबतें संकट दुख तकलीफ सबके जीवन में आती हैं। ये संसार मृत्यु लोक कहा जाता है, मृत्यु जैसे कष्ट आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, चले जाते हैं।
जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे घबरा जाए, जिंदगी वो है जो तूफान के दरमियान गुजरे। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, जिंदगी वो है जो तूफान के दरमियान गुजरे। जहां जहां से मेरे सतगुरु मेहरबान गुजरे, वहां वहां से फरिश्तों के कारवां गुजरे। ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत, ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत। उन्हीं के दर पे ना गुजरे तो फिर कहां गुजरे। मुझे चमन में कोई गाढ़ गया सीने तक, मर्यादाएं गुरु की आज्ञा, धर्म मर्यादा। लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी, कहा इससे बाहर मत निकलना। और सब जानते हैं सीता जी धोखे में आ गई। रावण ने ऋषि का भेष बनाया साधु का, भिक्षाम देही। लो रावण ने जैसे पैर रखा उस लकीर पे, पीछे जाके गिरा। ओहो, बोले देवी ये तो बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूंगा, इस रेखा के बाहर आओ। उनका आपस में वाद हुआ, संवाद हुआ। और फिर सीता जी ने सोचा तेरे द्वार से एक सन्यासी ऐसे ही ना लौट जाए, और वे निकल के बाहर आ गए। रावण ने उठाया, पुष्पक विमान में चढ़ाया और लंका ले गया। मर्यादाएं मर्यादाएं जब टूटती हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मुझे कोई गाढ़ गया सीने तक, मुझे चमन में संसार रूपी उपवन में, धर्म आज्ञाओं से बांध गया। मुझे चमन में कोई गाढ़ गया सीने तक, चाहे बाहर का मौसम हो या खिजां गुजरे, चाहे बाहरों का मौसम हो या पतझड़ का मौसम हो, तुमको यहीं खड़े रहना है। जिसको तूने अपना बनाया सीने तक धरती में गढ़वाया, जिसको तूने अपना बनाया सीने तक धरती में गढ़वाया, तेरे हुक्म से बाहर न निकलो ये फरमान लिख दे, तेरे हुक्म से बाहर न निकलो ये फरमान लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे, सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे, सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु
फुल संदे वाले बाबा कहते जो तेरा नाम जपते रहते। फुल संदे वाले बाबा कहते जो तेरा नाम जपते रहते। परमेश्वर उनके हिस्से में अपना प्यार लिख दे। परमेश्वर उनके हिस्से में अपना प्यार लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा। हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सूरज चांद में कलम डुबो के उसका नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख दे। सतगुरु मेरे माथे पे प्रभु का नाम लिख लिख दे। ओ आ
26वें सूत्र में महादेव शिव कह रहे हैं, मोह वरणात सिद्धि ही, मोह अज्ञान का आवरण हटा और ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, आत्मा को सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब अंधकार नष्ट हो जाता है, रात्रि नष्ट होती है, तो सूर्य उदय स्वतः हो जाता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।